माधुरी आप इतना अच्छा खाना बनाती दिए पर कभी आपने कोई पार्टी नहीं दी नहीं <laughs> आप इनविटेशन मांग रहे हैं मतलब <laughs> 1999 से लेकर 2011 आ गया जब से आपकी शादी हुई तब से आज तक आपका कोई आपकी आवाज़ क्यों इतनी अच्छी है लेकिन <laughs> जब से आप आ... फूड फूड के साथ में जुड़ी हैं तो फूड फूड के जो खाने हैं उसकी वजह से मुझे आप लग रहा है कि कम से कम और दस साल उम्र कम हो गई है माधुरी इफ अ चांस वुड यू टू डांस एंड कुक एट द सेम टाइम घर पे तो करती हूँ कोई देखने के लिए नहीं होता है सो आई हैव टू थिंक अबाउट संजीव क्या आपको लगता है खूबसूरत औरतें खाना ज़्यादा अच्छा बनाती है? <laughs> <laughs> हैं खूबसूरत औरतें सब कुछ बहुत अच्छा करती हैं गाना बहुत अच्छा गाती हैं डांस बहुत अच्छा करती हैं खाना बहुत अच्छा बनाती हैं प्रश्नों के सब जो उत्तर है बड़ा अच्छा देती हैं आप तो हैं अच्छे शेफ मुझे तो मानना पड़ेगा लेकिन मैं भी कुछ बुरी नहीं हूँ वैसे फूड ने ये बता दिया है कि दैट फूड इज समथिंग स्पेशलिटी बट फूड लेकर आ रहा है एक बैटल ऑफ दिए कौन सबसे ज्यादा अच्छा खाना बनाता है सो वॉट वी हैव इज अमूल फूड फूड चैलेंज तेरह हफ्ते तक जो कॉन्टेस्ट है दो टीम्स बनेंगी एक मेन uh, टीम और एक uh, औरतों की टीम uh, और उसमें सिर्फ खाने के टेस्ट पर ही नहीं बल्कि उसकी प्रेजेंटेशन, उनमें जोश कैसा है क्रिएटिविटी कितनी है इनोवेशन कितना है नई चीज़ें कैसी बना रहे हैं कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं कितनी स्माइल के साथ कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें उन पर जज किया जाएगा एक ज्यूरी बनाई जाएगी हर एपिसोड में ज्यूरी जो है Uh, उसमें सेलिब्रिटी जूरी uh, रहेंगे फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि खाने के बारे में सबको पता होता है चाहे वो सिंगर्स हैं फिल्म स्टार्स हैं टीवी स्टार्स हैं स्पोर्ट्स पीपल हैं और हर हफ्ते एक कोई शख्स लूज uh, करेंगे और जो लास्ट uh, बचेंगी या बचेगा वो विनर फूड चैलेंज जो है हमारा अमुल फूड फूड महा चैलेंज उससे uh, आपको क्या uh, लग रहा है कि अभी एक्साइटमेंट जो है वो कैसी पहले तो मैं कहूँगी गुड इवनिंग एवरी वन या एक्साइटमेंट तो बहुत है मुझे लगता है स्पेशली uh, क्योंकि ये एज ओल्ड क्वेश्चन है कि कौन बेटर कुक है वेमेन या मैन मुझे लगता है इट विल गुड एंड समथिंग फन और समथिंग पीपल कैन लुक फॉरवर्ड टू अच्छी टीम है मेरी और जो आर्ट हैं वो मेरे तगड़े सोल्जर्स मुझे लगता है कि win, लेकिन we'll also, you know. आपकी तो बहुत खराब हो चुकी है अच्छा हाँ। नहीं ये तो हो नहीं सकता क्यो? आप तो हैं अच्छे शेफ मुझे तो मानना पड़ेगा लेकिन मैं भी कुछ बुरी नहीं हूँ आपको खाना अभी भी मतलब Uh, अभी बनाना पड़ता है या शौक से बनाती हैं नहीं uh, कभी कभी बनाना पड़ता है नॉट इन द मूड लेकिन मुझे शौक भी है मेरे हस्बैंड को भी शौक है हुँ. तो वी एन्जॉय इट ऑल्सो और वी एंजॉय कुकिंग एंड ईटिंग बोथ तो आप महाचैलेंज ले रही हैं संजीव कपूर जी का लेकिन घर पर आपको कितनी बार महा चैलेंज मिलता है शुरू से ही चैलेंजिंग था मेरे लिए क्योंकि शादी तक मैंने ज़्यादा किचन में गई नहीं थी मैंने ज़्यादा कुकिंग वगैरह किया नहीं था और जब मैं वहाँ रहने गई तो आई वॉज़ ऑन माई ओन तो बहुत सी चीज़ें मुझे स्क्रैच से सीखनी पड़ी बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए जहाँ Uh, कहते हैं ना एक्सपेरिमेंट्स कभी कुछ जल गया कुछ एक्सप्लोड हो गया तो ऐसे बहुत से एक्सपेरिमेंट्स हुए लेकिन इट्स ऑलवेज अ चैलेंज एंड आई लव चैलेंजेस माधुरी बिसाइड्स बीइंग अ गुड कुक दैट वी नोन फ्रॉम संजीव ऑब्वियसली यू आर आल्सो वेरी गुड डांसर सो डू यू थिंक देयर कैन बी अ महा चैलेंज विद कुकिंग एंड डांसिंग एट द सेम टाइम आई विश वन कुड डांस एंड कुक बट बोथ आर क्रिएटिव और मुझे लगता है कि जस्ट लाइक डांस इवन कुकिंग हैज अ लॉट ऑफ फ्लेवर Uh, it has uh, a lot of creativity. It's very artistic, and uh, I would compare the two together. Or, uh, yeah, maybe we should do something like that. लोग कहते हैं माँ के हाथ का खाना माँ के हाथ का खाना ये maha challenge है to तो क्या इसके बाद लोग कहने वाले हैं कि आप बाप के हाथ का खाना समथिंग लग जाए Well, अगर हर घर का बाप किचन में जाके काम करने लग जाए तो हाँ जरूर कहेंगे बाप के हाथ का खाना क्यों नहीं I think kids would love that too. Madhuri, if given a chance, would you want to dance and cook at the same time? घर <laughs> <laughs> पे तो करती हूँ कोई देखने के लिए नहीं होता है so I have to think about whether I want people to watch me sing, uh, I mean dance and cook. Life में सबसे पहले आपने कौन सा डिश बनाया था और किसको खिलाया था मेरी लाइफ में मैं जब स्कूल में थी मुझे कांदे पोहे बहुत पसंद है सभी को पता है तो वो पहली चीज मैं सीखी हूँ बनाने के लिए जब मैं स्कूल में ही थी तो वो बना के मैंने मेरी फैमिली को खिलाया था और वो मैंने पहली चीज बनाई और साहब को पहला डिज क्या खिलाया था आपने उनको मैंने बनाए थे उनके लिए प्रॉन्स बनाए थे श्रिम्स लेकिन डिजास्टर था क्योंकि बहुत ज्यादा कुक कर दिया मैंने <laughs> चिकन की तरह बनाया विच यू आर नॉट सपोज टू डू तो बेचारे वो रबर खा रहे थे उस दिन देखिए मैं हमेशा मानता हूँ कि खाना एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप किसी से भी सीख सकते हैं जो भी कोई अच्छा बनाए शायद एक सड़क पे ठेले में जो बना रहा है वो कुछ बढ़िया बना सकता है किसी घर में कुछ बना सकते हैं कांदे पोए की इनकी रेसिपी इनसे सीख सकता हूँ तो मैं हमेशा मानता हूँ सीखने के लिए यही एक सिर्फ व्यक्ति नहीं होता पूरे का पूरा काफ़ी सारे लोग होते हैं जैसे फूड फूड चैनल है बहुत सारे लोग हैं उसमें माधुरी बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं आप <laughs> तो खूबसूरत बनने के लिए भी कुछ खाने की रेसिपी होती है <laughs> जी हाँ <आ>, ईट <इत> हेल्दी <laughs> वो एक रेसिपी है और बी uh, हैप्पी वो सबसे बड़ी रेसिपी है कि आप खुश रहें लाइफ में शो में uh, जो रोल है हमारा अपनी जैसे माधुरी ने कहा कि हमारी जो टीम है uh, उनको प्रोत्साहन देना रहेगा और मेरा जो रोल है वो शो में जाते ही कन्वर्ट हो जाता है मैं सबको प्रोत्साहन दूंगा मैं फिर मैं वो भेदभाव नहीं रखूंगा और सबका प्रोत्साहन करूंगा एंड आई वांट टू ब्रिंग आउट एक्सेलेंस इन देम एट दी सेम टाइम जूरी जो जज uh, करेगी ग्रुप टास्क जो होंगे उसके बाद uh, मैं जजिंग uh, भी करूंगा सो दैट वुड बी माय रोल एंड शी वुड आल्सो इंश्योर दैट सब लोग जितने हैं वो किस तरह से अपने आप को बेटर कर सकें दैट इज टास्क माधुरी आप इतना अच्छा खाना बनाती है पर कभी आपने कोई पार्टी नहीं दी <laughs> <ने देखे लिंगे। laughs> आप इनविटेशन मांग रहे हैं मतलब <laughs> 1999 से लेकर 2011 आ गया जब से आपकी शादी हुई तब से आज तक आपका कोई <laughs> आपकी आवाज क्यों इतनी अच्छी है लेकिन <laughs> संजीव क्या आपको लगता है खूबसूरत औरतें खाना ज्यादा अच्छा बनाती हैं खूबसूरत औरतें सब कुछ बहुत अच्छा करती हैं गाना बहुत अच्छा गाती हैं, डांस बहुत अच्छा करती हैं खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, प्रश्नों के सब जो उत्तर है बड़ा अच्छा देती हैं। माधुरी हमने देखा है कि आपने अपने करियर में बहुत ही आ, अच्छे स्टेप्स लिए हैं बोल्ड रोल्स भी आपने किए हैं so के रोल को आप कंटिन्यू करना चाहेंगे

और मैंने उसकी तारीफ भी की थी